concept number 39, interest rate options, and concept number 40, caps, floors and collars. दोस्तों, interest rate options की बात करें, अभी-अभी हमने देखा interest rate futures में होता यह है कि आपको loss हो रहा हो, तो भी आपको वो contract तो settle करना पड़ेगा, क्योंकि ultimately वो एक futures contract है. In case of interest rate options, you have been given a choice. आप decide कर लीजिए कि आपको interest rate option use करते हुए उस contracted rate से borrow या invest करना है, या उस option को lapse होने देना है और prevailing market rate से आपको borrow या invest करना है. यानी यहाँ पर एक right रहेगा, कोई obligation नहीं. तो friends, interest rate options can again be of two categories. Over the counter type, and it could be taking the form of derivative type. मैं पहले आपको over the counter concept समझा दूं. Suppose हमें borrow करना है, अभी नहीं, अभी से 6 महीने बाद. हम HDFC bank के पास जाते हैं और HDFC bank से कहते हैं कि भाई हमें borrow करना है आज से 6 महीने बाद, आप interest rate क्या offer कर रहे हैं हमें बता दीजिए. HDFC बैंक हमसे कहता है कि भाई इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा 12% पर एनम. तो 12% पर एनम लगाया जाएगा. हमने पूछा सामने कि व्हाट इफ द इंटरेस्ट रेट इज नॉट 12% पर एनम, इट इज प्रिवेलिंग लेस. HDFC बैंक हमें कहता है, एक काम करो भाई साहब, आपको हम राइट देते हैं कि आप हमसे 12% पर बोरो कर लो. प्रिवेलिंग रेट यदि 12% से कम हुआ तो जो प्रिवेलिंग रेट है उससे बोरो कर लेना. दैट मीन्स हम आपसे 12% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे. ये हमारे लिए एक राइट बनकर आया कि इफ वी वांट टू बोरो, मैक्सिमम रेट वुड बी 12%. इफ द प्रीवेलिंग रेट इज लोअर, वी वुड बी बोरोइंग एट अ लोअर रेट. तो हमने अग्रीमेंट कर लिया. अब इसमें क्या हुआ कि प्रोटेक्शन बोरोअर को मिल गया, बैंक ने तो अपने लिए एक रिस्क ले लिया. एज अ रिजल्ट, इस ऑप्शन को ऑफर करने का HDFC बैंक हमसे जरूर प्रीमियम चार्ज करेगा, और ये जो प्रीमियम चार्ज किया जाएगा दैट विल बी एन अपफ्रंट प्रीमियम. तो ये अपफ्रंट प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा, तभी हमें इंटरेस्ट रेट ऑप्शन होल्ड करने मिलेगा. अब हम केस लेते हैं इन्वेस्टर का. इन्वेस्टर के केस में क्या होगा, जब हम इन्वेस्टर बनकर बैंक के पास जाते हैं, हम बैंक से कहते भाई हमें अमाउंट इन्वेस्ट करना है आज नहीं, कुछ टाइम बाद, मे बी आफ्टर 6 months. बैंक हमें ऑफर करता है कि भाई ठीक है, हम आपको 8% इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं उस डिपॉजिट पर, उस इन्वेस्टमेंट पर. हमने पूछा व्हाट इफ द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इज डिफरेंट. बैंक कहता हमसे कि भाई इंटरेस्ट रेट 8 से ज्यादा चल रहा हो तो आप ज्यादा रेट पर इन्वेस्ट कर देना हमारे पास, बट 8 से कम चल रहा है तो हम आपको राइट देते कि आप 8% पर तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं. यहां पर 8% एक मिनिमम रेट बन जाता है इन्वेस्टर के लिए. That means again as an investor, I have a right to invest at 8%, or if the prevailing rate is higher at such higher rate, I am under no obligation. Again, I am becoming an interest rate option holder. Mujhe bank ko premium pay karna padega, aur wo bhi upfront. So friends, aap dekhiye, jo borrower ka case tha, usme upper limit fix ki gayi thi interest ki. जो इन्वेस्टर का केस था उसमें लोअर लिमिट फिक्स की गई इंटरेस्ट की. इसी से जुड़ा हुआ है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कैप्स, फ्लोर्स एंड कॉलर्स. कॉन्सेप्ट नंबर 40 जो है, कैप्स, फ्लोर्स एंड कॉलर्स. दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में कॉल एंड पुट ऑप्शन नहीं होते. इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में होते हैं कैप्स एंड फ्लोर्स. और मैं थोड़ी देर बाद आपको यह भी समझाऊंगा कि जो तीसरा टर्म है कॉलर, यह क्या होता है. पहले कैप एंड फ्लोर समझ लें. इफ आई एम अ बोरोअर, मैं बोरोअर हूं, तो मुझे इंटरेस्ट रेट ऑप्शन होल्ड करना है एक मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट का. तो सपोज जैसा मैंने HDFC बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं वही एग्जांपल लूं. आई हैव अ राइट टू बोरो एट 12%. व्हेन आई कम एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी, व्हेन आई अराइव एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जिस दिन एक्चुअल में बोरो करने का दिन आ गया, मैं उस दिन देख लूं कि भाई इंटरेस्ट रेट सपोज 11% चल रहा है मार्केट में, तो मैं मेरा ऑप्शन लैप्स होने दूं और मैं बोरो कर लूं 11% से.
और वो इंटरेस्ट रेट 13-14 कुछ हाई रेट चल रहा है, तो मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए आई विल बोरो एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ 12%. दैट मींस मैं बोरो कर रहा हूं इधर एट 12% और लोअर रेट, विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर मी. इन सिंपल वर्ड्स, द मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट दैट आई एम पेइंग इज 12% पर एनम. इन सच केस इस मैक्सिमम रेट को हम कैप कहते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट ऑप्शन जो एक बोरोअर होल्ड करता है इट इज अ कैप ऑप्शन, बिकॉज वो एक अपर लिमिट फिक्स कर देता है इंटरेस्ट रेट की. इन्वेस्टर का केस लें तो क्या होगा, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन चाहिए डाउनसाइड का. तो जैसे हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया था, जब हम एक इन्वेस्टर बनकर बैंक के पास जाते हैं और बैंक ने हमें ऑफर किया कि भाई हम आपको 8% पर इन्वेस्ट करने का राइट देते हैं, तो इंटरेस्ट रेट 9% चल रहा हो तो हम हमारा राइट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे 9% से. बट इंटरेस्ट रेट उस समय चल रहा हो 7%, तो हम हमारा राइट एक्सरसाइज करते हुए हम इन्वेस्ट कर देंगे एट 8%. दैट मींस हमारा इन्वेस्टमेंट रेट या रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा इट विल बी ईदर 8% और हायर, नथिंग लोअर देन 8%. यानी यहां पर जो इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ऑफर किया जा रहा है इसे फ्लोर कहा जाता है, फ्लोर, बिकॉज इट फ्रीजेज अ लोअर लिमिट टू द इंटरेस्ट रेट. तो फ्रेंड्स, एक इन्वेस्टर होल्ड करेगा फ्लोर ऑप्शन और एक बोरोअर होल्ड करेगा कैप ऑप्शन. कैप एंड फ्लोर का जब हम कॉम्बिनेशन बनाए तो वो बन जाता है एक कॉलर. बट ये कॉम्बिनेशन किस तरह से डिजाइन होता है इस कॉन्सेप्ट को आप पहले समझ लीजिए. होता यह है कि हमने सपोज डिसाइड कर लिया कि हमको लंबे टाइम के लिए से हाउसिंग लोन चाहिए और हम फ्लोटिंग रेट पर, ध्यान रखेंगे हम फ्लोटिंग रेट पर बोरो कर रहे हैं. अब बैंक के साथ हमने अरेंजमेंट ऐसा किया है कि भाई हम फ्लोटिंग रेट पर बोरो कर लेते हैं आपसे, बट इंटरेस्ट रेट में कैप लगा दिया जाए 12%. यानी 12% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट गया तो बोरोअर होने के हिसाब से मैं अपना इंटरेस्ट रेट ऑप्शन एक्सरसाइज करूं और मैं बोरो करूंगा 12% उससे ज्यादा पर नहीं. ऑन दी अदर साइड बैंक यहां पर इन्वेस्टर बन जा रहा है, तो बैंक क्या करेगा कि बैंक अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए फ्लोर ऑप्शन होल्ड करेगा. दैट मींस बैंक ने अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए मिनिमम इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया 8%. दैट मींस इंटरेस्ट रेट 8% से नीचे नहीं जाएगा. तो फ्रेंड्स, इस अरेंजमेंट में बोरोअर जो है वो बन जाता है कैप ऑप्शन होल्डर और जो लेंडर है, जो बैंक है, वो बन जाता है फ्लोर ऑप्शन होल्डर. अब होगा ये कि इंटरेस्ट रेट का लोअर लिमिट फिक्स हो गया 8% और अपर लिमिट फिक्स हो गया 12%. अब मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा, ध्यान रखेंगे आप हमने बोरो किया हुआ है फ्लोटिंग रेट से, तो जो इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आता है वो फ्लक्चुएशन का रेंज नैरो कर दिया जाएगा, यानी 8% से कम नहीं और 12% से ज्यादा नहीं. तो एक रेस्ट्रिक्टिव रेंज बन जाती है इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट्स की. तो दोनों पार्टीज, बोरोअर एज वेल एज बैंक, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. मैं फिर से रिपीट कर दूं, बोरोअर बन जाएगा कैप ऑप्शन होल्डर और बैंक बन जाएगा फ्लोर ऑप्शन होल्डर. बिकॉज दोनों पार्टी एक दूसरे को काउंटर बेनिफिट दे रहे हैं, जनरली ऐसे अरेंजमेंट में प्रीमियम नहीं अप्लाई किया जाता, यानी ऑप्शन पर प्रीमियम की बात नहीं आती क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं. एक तरफ आप ऑप्शन होल्डर हैं और साइमल्टेनियसली दूसरे ऑप्शन में आप ऑप्शन राइटर हैं, यानी आपकी पोजीशन ऑलमोस्ट स्क्वायर ऑफ हो जाती है. तो दोस्तों, इस तरह के कैप एंड फ्लोर के कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है कॉलर. तो चलिए, इन सारी बातों को समझ लेने के बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें. क्वेश्चन नंबर 106, चलिए पढ़ते हैं यहां क्या दिया हुआ है. एक्स वाई जेड इंक इश्यूज अ $10 million फ्लोटिंग रेट लोन ऑन July 1, 2013 विद अ रीसेटिंग ऑफ कूपन रेट एवरी 6 months इक्वल टू LIBOR प्लस 50 basis points. XYZ is interested in a collar strategy by selling a floor and buying a cap.
XYZ buys the 3-year cap and sell 3-year floor as per the following details on July 1, 2013. Notional principal amount is $10 million. Reference rate is 6-month LIBOR. Strike rate is 4% for floor and 7% for cap. Premium 0 since premium paid for cap equals to premium received for floor. Using the following data, you are required to determine effective interest paid out at each reset date and the average overall effective rate of interest per annum. So friends, yahan par hame karna kya hai? Ye collar strategy banaya hua hai aur yahan par premium involved nahi hai. To hamara calculation jo tha pichle question mein premium wala, wo calculation ab yahan par aayega nahi. But hamare paas yahan par ek baat dekhni ki hai ke cap and floor dono ko hame consider karna hai, yani interest ka lower limit bhi fix kiya hua hai aur upper limit bhi fix kiya hua hai. Doston, jo dusri dhyan dene wali baat hai वो हम क्वेश्चन के अर्लियर पार्ट पर फिर से डिस्कस कर लेते हैं. अग्रीड इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट और स्ट्राइक रेट जो फ्लोर एंड कैप का है दैट इज 4% एंड 7% रिस्पेक्टिवली. यानी इंटरेस्ट रेट 4% से कम नहीं होगा और 7% से ज्यादा नहीं होगा. तो हमें पहले यह भी देखना होगा कि कौन कौन से सिनेरियो में फ्लोर ऑप्शन एंड कैप ऑप्शन एक्सरसाइज किए जाएंगे. चलिए उसे भी समझ लें. आप ध्यान दीजिए, ये चल रहे हैं लाइबोर. अब लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट इज द अग्रीड रेट, तो यहां पर हो जाएगा 6.5%. यानी ये हमारे कैप और फ्लोर के स्ट्राइक रेट के बीच में आता है. यहां 7 है लाइबोर, यानी 7.5% हो जाएगा. दैट मींस यहां पर हमारा कैप ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा. 5 का बन जाएगा 5.5, दोनों ही ऑप्शंस काम नहीं आएंगे. 3.75 का बन जाएगा 4.25, वापस दोनों ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे. यहां 3.25 है तो अग्रीड रेट है लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, तो जो इफेक्टिव रेट आ जाएगा दैट विल बी 3.25 प्लस 0.5, यानी 3.75. और 3.75 4 से नीचे चला जाता है, दैट मींस फ्लोर ऑप्शन यहां पर एक्सरसाइज हो जाएगा और यहां इफेक्टिव रेट होगा 4.75%, दोनों ही ऑप्शंस यहां पर लैप्स हो जाएंगे. तो फ्रेंड्स, ये समझ लेने के बाद कि कौन सा ऑप्शन कब एक्सरसाइज किया जाएगा, देयर आफ्टर इट इज जस्ट अबाउट कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट. तो चलिए सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है उसे समझ लेते हैं. हम सॉल्यूशन में वापस एक टैब्यूलर प्रेजेंटेशन बताएंगे. सो इट विल बी रीसेट डेट, लाइबोर परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज, LIBOR पेमेंट इन डॉलर्स दैट इज LIBOR प्लस 0.5% के हिसाब से, कैप रिसीट एंड फ्लोर पेमेंट एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट जो हमारा आता है एज एन आउटफ्लो. सो सबसे पहली रीसेट डेट जो है 31/12/2013, यहां पर LIBOR दिया हुआ है 6%. नंबर ऑफ डेज, तो फ्रेंड्स हम नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक. तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का जो पीरियड है दैट इज 184 डेज. हमें एग्जैक्टली डे टू डे बेसिस पर इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन करना है, इसलिए डेज के काउंटिंग में गड़बड़ ना हो ये आप ध्यान रखेंगे. अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट. तो इंटरेस्ट पेमेंट जो आएगा इट विल बी एट लाइबोर प्लस 0.5%. फ्रेंड्स लाइबोर प्लस 0.5% विल बी 6 + 0.5, दैट इज 6.5%. हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन आएगा $10 million, दैट इज $1 crore, इंटू 6.5% इंटू 184/365. इंटरेस्ट का जो अमाउंट आएगा दैट विल बी $3,27,671. यहां पर कैप और फ्लोर दोनों ही एक्सरसाइज नहीं किए जाएंगे, तो कैप रिसीट भी जीरो और फ्लोर पेमेंट भी जीरो. तो जो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट आएगा इट विल बी द नेट टोटल ऑफ दीज थ्री कॉलम्स. तो हम इस कॉलम को मार्क कर रहे हैं ए, इसे बी, इसे सी, और ये अमाउंट हमारे लिए पेमेंट है, ये रिसीट है और ये पेमेंट है. तो जो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी ए माइनस बी प्लस सी, और ये आता है 327,671. नेक्स्ट रीसेट डेट है 30 जून 2014.
लाइबॉर रेट है 7%, नंबर ऑफ डेज काउंट करें तो 1/1/2014 से 30th June 2014 तक 181 डेज होते हैं। और फ्रेंड्स लाइबॉर प्लस 0.5% का रेट अप्लाई करते हुए, यानी इस केस में 7.5% आपको अप्लाई करना है, और 7.5% से जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा दैट इज $1 crore इंटू 7.5% इंटू 181/365, ये आ जाएगा 371,918। बट ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कैप को क्रॉस कर जा रहा है, कैप है 7% और लाइबॉर भी चल रहा है 7%, बट हमारा अग्रीड रेट है लाइबॉर प्लस 0.5, यानी ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा दिस विल बी एट 7.5%। यहां पर कैप ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया जाएगा और कैप रिसीट आएगी $24,795। ये कैसे आया हम इसका वर्किंग दिखा देंगे, ऑब्वियसली फ्लोर एक्सरसाइज नहीं होगा यहां पर। फाइनली हमारा जो इफेक्टिव इंटरेस्ट आएगा A-B+C दैट इज 371918 -24,795 + 0 विल गिव यू 347,123। इसके बाद नेक्स्ट रीसेट डेट जो है दैट इज 31/12/2014, लाइबॉर चल रहा है 5%, तो हमारा इफेक्टिव रेट हो जाएगा 5.5%। नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे ये आते हैं 184 डेज। लाइबॉर पेमेंट जो हम कंप्यूट करेंगे इट विल बी एट 5+0.5 दैट इज 5.5%, और ये रेट जो है 7 और 4 के बीच का रेट है, दैट मींस ना तो कैप ऑप्शन ना फ्लोर ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किए जाएंगे, ये दोनों 0-0 आ जाते हैं। और इंटरेस्ट का जो इफेक्टिव पेमेंट होता है इट विल बी सेम एज लाइबॉर प्लस 0.5%। अब फ्रेंड्स ये जो अमाउंट आया है 24,795, ये कैसे आया इसकी वर्किंग बता देंगे, दैट विल बी $1 crore इंटू 7.5 माइनस 7%, यानी ये आपका जो प्रिवेलिंग रेट हुआ और ये कैप रेट हुआ, दोनों का डिफरेंशियल इंटू 181/365 गिव्स यू $24,795। तो फ्रेंड्स आप इसे नोट कर लीजिए एंड देन वी शैल प्रोसीड अहेड। फ्रेंड्स नोट करते समय एक एक कैलकुलेशन को आराम से समझ समझ कर लिखिए, आई विल गिव यू सफिशियंट टाइम टू राइट डाउन। ऑलराइट फ्रेंड्स ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लें सो दैट आपका आगे का कैलकुलेशन काफी क्विक हो जाए। दोस्तों जब भी जुलाई से दिसंबर का डेज आप काउंट करेंगे इट विल बी ऑलवेज बाय डिफॉल्ट 184 डेज, और जब जनवरी से जून का डेज काउंट करें इट विल ऑलवेज बी 181 डेज। बट जब ईयर जो हो वो लीप ईयर हो तो ये 182 डेज हो जाएगा, और उस ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज हम ऑब्वियसली 366 डेज लेंगे, तो खाली लीप ईयर पर ध्यान दिया जाए, अदरवाइज जनवरी टू जून इट विल बी 181 डेज, एंड जुलाई टू दिसंबर तो कोई सा भी ईयर हो इट हैज टू बी 184 डेज। तो आप ये नंबर ऑफ डेज आराम से पहले कैलकुलेट कर लेना, काउंट कर लेना और टैली कर लेना, ये आपको पहले से मालूम हो तो एग्जाम में आपको डेज काउंट करने के पीछे टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। एनीवे चलिए सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट पर, यानी हमारा ये टेबल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने जस्ट 3 रीसेट पीरियड के कैलकुलेशंस बताए, बाकी 3 रीसेट पीरियड के कैलकुलेशंस इसी तरह किए जाएंगे और वो आपके सामने मैं यहां दिखा दे रहा हूं। मुझे अब ये बार बार आपको नहीं समझाना पड़ेगा कि ये कैसे आ रहे हैं। जहां पर फ्लोर ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है दैट इज इन दिस सिनेरियो, ये वाला जो रीसेट पीरियड है जहां पर लाइबॉर है 3.25%, तो आपका इफेक्टिव रेट लाइबॉर प्लस 0.5% हो जाएगा यानी 3.75%, और वो 3.75% जो है वो तो हमारे फ्लोर रेट से भी कम है, दैट मींस यहां पर फ्लोर ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा, इसलिए देयर विल बी सम अमाउंट कमिंग अंडर दिस हेड फ्लोर पेमेंट। तो कैप रिसीट 0 बट फ्लोर पेमेंट आएगा। फ्लोर पेमेंट कैसे आया उसका वर्किंग हम बता देंगे और बाकी सारे कैलकुलेशंस एज यूजुअल। अब यहां पर भी ध्यान दीजिए, ये है 30th June 2016, ये 2016 लीप ईयर आ गया फ्रेंड्स, इसलिए यहां पर जनवरी टू जून 181 डेज नहीं होंगे, 182 डेज होंगे,
और इसलिए 182 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और जब आप न्यूमरेटर में 182 डेज लेंगे यहां पर, तो गलती से भी डिनोमिनेटर में 365 नहीं लेंगे, डिनोमिनेटर में आप लेंगे 366 डेज, तब जाकर ये इंटरेस्ट का अमाउंट मैच होगा। तो इस लास्ट वाले रीसेट पीरियड में ऑब्वियसली कैप एंड फ्लोर दोनों ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे और हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट आता है 236202। अब हमारे टोटल डेज जो हैं 1096 डेज, जस्ट बिकॉज वन ऑफ द ईयर इन्वॉल्व इज लीप ईयर, 1096 डेज टोटल इफेक्टिव इंटरेस्ट जो आता है दैट विल बी 16,653। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद ये 12,603 कैसे आया उसका वर्किंग बता दिया जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, फ्लोर रेट जो हमारा है 4% और जो हमारा इफेक्टिव रेट यहां पर आया 3.25 प्लस 0.5 दैट इज 3.75 इनटू 184 बाय 365, ये आ जाता है 12,603। तो फ्रेंड्स, आप इन सारे कैलकुलेशंस को वापस समझ कर लिख लीजिए एंड देन वी शैल मूव अहेड एंड राइट अप द कंक्लूजन। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। कंक्लूजन लिखेंगे, the average overall effective rate of interest per annum will be, जो total interest आया divided by 1 crore dollar into 365 by total number of days that is 1096 days, और ये आ जाता है approximately 5.33% per annum। note कर लीजिए and that will be end of the solution।